वो है कि न्यूरल फिल्टर में मैं जाऊंगा। न्यूरल फिल्टर में जाने के बाद जो मेरा सबसे पहले प्रॉब्लम जो होगा वो है कि यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शंस दिया हुआ है। जब भी मैं हम लोग इसको ऑन करेंगे और यहाँ पर जो डाउनलोड बटन है डाउनलोड बटन में क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड, देखिए यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, डाउनलोड नहीं हो रहा है। इसको सॉल्व हम लोग कैसे करें? तो हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि न्यूरल फिल्टर एडोब फोटोशॉप में न्यूरल फिल्टर का जो फीचर है वो भी इनेबल अभी हो गया है। एडोब फोटोशॉप 2023 में वो न्यूरल फिल्टर वाला ऑप्शन भी आ गया है जेनरेटिव फिल्ड्स के साथ। जेनरेटिव फिल्ड कैसे एक्टिव करते, कैसे उसको इंस्टॉल करते, कहाँ से सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर रहे हैं, वो हर एक चीज़ मैं मेरे पिछले वीडियोस में डिस्कस कर दिया था। अगर आप लोगों ने वो सब अभी तक नहीं देखा है तो डेफिनेटली जाके उसको थोड़ा एक बार चेक कर लीजिए, तो आप भी जेनरेटिव फिल्ड जो है फोटोशॉप के साथ उसको आप लोग एक्टिव कर पाएंगे। लेकिन आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि न्यूरल फिल्टर जो है वो बहुत सारे लोगों के पीसी में नहीं चल रहा है, एडोब फोटोशॉप में नहीं चल रहा है, वो ब्लॉक हो गया है, डाउनलोड्स नहीं हो रहा, बहुत सारा प्रॉब्लम्स वहाँ पर आ रहा है। तो उसको आप लोग कैसे बाईपास कर पाएंगे उसके रिलेटेड ये वाला वीडियो है। तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। मैं हूं सम्राट और आप लोग देख रहे हैं क्रिएटिव इंकर्नेशन। तो बेसिकली दोस्तों इसको एक्टिव करने के लिए जो प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करना पड़ता है वो तो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन जो लोगों को नहीं पता कि न्यूरल फिल्टर होता क्या है मैं पहले उन लोगों को बता देता हूं। जो न्यूरल फिल्टर जो है, न्यूरल फिल्टर बेसिकली क्या करता है, आपके फोटो को एनहेंस करता है एआई के हेल्प से। आपका जो इमेजेस है, इमेजेस के अंदर स्माइली वगैरह आप लोग ऐड कर सकते हैं, कोई भी स्माइली फेस को आप लोग एंगर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सरप्राइज में कन्वर्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारा ढेर सारा वहाँ पर फिल्टर्स लगा हुआ है जो एआई के साथ काम करता है। तो चलिए अभी जो हम लोग करेंगे वो है कि एडोब फोटोशॉप में पहले हम लोग ऑन कर लेंगे। तो मैं सबसे पहले एडोब फोटोशॉप ऑन कर लेता हूँ। तो ध्यान में रखिएगा एडोब फोटोशॉप का वर्जन जो है वो 2023 होना चाहिए और आपका 24.5.0 के 0 या फिर उसका अबव होना रिकमेंडेड है। आप लोगों को वो वाला ही फोटोशॉप लगेगा। अगर आप लोगों को डाउनलोड यूआरएल वगैरह नहीं मिलता, डाउनलोड नहीं कर पाते, तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम में जाइए, बायो सेक्शन में आप लोगों को मिल जाएगा हर एक डाउनलोड लिंक्स वगैरह। तो चलिए हम लोगों का फोटोशॉप जो है फोटोशॉप ऑन हो गया है। तो पहले आप लोगों को ये वाला जो है मैं पहले आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए बेसिकली क्या है कि आपको एक फ़ोटो ओपन करना है पहले, ठीक है। जो भी फोटो आप पहले ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप लोगों को जो दिक्कत आएगा वो है कि यहाँ पर देखिए फिल्टर में अगर आप लोग जाएंगे, यहाँ पर देखिए न्यूरल फिल्टर मेरा एक्टिव दिखा रहा है, लेकिन आप लोगों के पीसी में न्यूरल फिल्टर एक्टिव नहीं दिखाएगा क्योंकि आप लोगों ने एडोब क्लाउड में लॉग इन नहीं किया है। तो उसको लॉग इन करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना होगा हेल्प में जाना है। यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हैं साइन आउट मेरा ईमेल आईडी दिखा रहे हैं, तो आप लोगों को बेसिकली यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन मिलेगा। साइन इन में क्लिक कीजिएगा तो ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। ब्राउज़र ओपन होने के बाद आप लोगों को यहाँ पर कोई भी ईमेल आईडी के साथ Adobe क्लाउड में लॉगिन करना है। आप लोगों को एक भी पैसा वहाँ पर नहीं पे करना है, सिर्फ आप लोगों को एक अकाउंट क्रिएट करके वहाँ पर लॉगिन करना है। विदाउट लॉगिन ये वाला चीज़ काम नहीं करेगा। जब भी वो लॉगिन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका फोटोशॉप में वो रीडायरेक्ट कर देगा। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होता है तो मेरे पिछले वीडियोस में मैंने इंस्टॉलेशन दिखाया था, तो प्लीज़ जाके चेकआउट थोड़ा कर लीजिएगा, तो आप लोगों को पूरा इंस्ट्रक्शंस मिल जाएगा। ऊपर मैं आई बटन में लिंक्स दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। फाइनली जब आपका लॉगिन हो जाएगा एडोब क्लाउड में, लॉगिन होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आपका जो फोटोशॉप है फोटोशॉप को पहले क्लोज कर देना होगा। क्लोज करने के बाद फिर से आप उसको फोटोशॉप को ओपन करेंगे। जब आप लोग ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल्टर में आप लोगों का न्यूरल फिल्टर का जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। होने के बाद देखिए सपोज ये वाला एक मेरा इमेज है, मैं इसका एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ यहाँ पर। तो डुप्लीकेट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर जो होगा वो है कि न्यूरल फिल्टर में मैं जाऊँगा। न्यूरल फिल्टर में जाने के बाद जो मेरा सबसे पहले प्रॉब्लम जो होगा वो है कि यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शंस दिया हुआ है। जब भी मैं हम लोग इसको ऑन करेंगे और यहाँ पर जो डाउनलोड बटन है डाउनलोड बटन में क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड, देखिए यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, डाउनलोड नहीं हो रहा है। इसको सॉल्व हम लोग कैसे करें? तो इसको सॉल्व करने के लिए या फिर इसको बाईपास करने का एक तरीका है। क्या करना है आपको, फोटोशॉप जो है फोटोशॉप को सबसे पहले क्लोज कर देना होगा। क्लोज करने के बाद जो मैं स्टेप्स यहाँ पर करूँगा तो आप लोग उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। तो क्लोज करने के बाद आप लोगों को स्टार्ट मेनू में जाना होगा। स्टार्ट मेनू में जाने के बाद आप लोगों को लिखना होगा ENV, पहले वाला जो ऑप्शन दिख रहा है पहले वाले ऑप्शन में क्लिक कीजिए। करने के बाद आप लोगों को एडवांस में जाना होगा। एडवांस में जाने के बाद नीचे देखिएगा एनवायरमेंट वेरिएबल्स करके एक ऑप्शन दिया हुआ है। एनवायरमेंट वेरिएबल्स जो है एनवायरमेंट वेरिएबल्स के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना होगा। जब भी आप लोग क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए आपका सिस्टम वेरिएबल्स यहाँ पर शो कर रहा है। सिस्टम वेरिएबल्स में जाना होगा। सिस्टम वेरिएबल्स में जाने के बाद थोड़ा सा आप लोग अगर इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, जैसे कि मैं यहां पर स्क्रॉल कर रहा हूं, स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहां पर टेम्प का दो फोल्डर दिया हुआ है, टेम्प एंड TEMP और एक है TMP, उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एडिट का जो ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है यहां पर, एडिट में
क्लिक कर देना होगा। एडिट में क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर ब्राउज डायरेक्टरी है, ब्राउज डायरेक्टरी में जाइए। वहाँ पर जाने के बाद आप लोगों को सी ड्राइव में जाना होगा, क्योंकि टीम फोल्डर जो है वो दूसरी लोकेशन में, हम लोग उसका लोकेशन चेंज करेंगे। सी ड्राइव में जाने के बाद हम लोग यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करेंगे टेम्प नाम का। तो क्लिक मेक ए न्यू फोल्डर पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद वहाँ पर देखिए एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम लोग देंगे टेम्प। तो हम लोगों का जो फोल्डर है, फोल्डर हम लोगों ने यहाँ पर क्रिएट, फोल्डर का नेम हम लोगों ने टेम्प यहाँ पर कर दिया है। करने के बाद हम लोगों को क्या करना होगा, इसको ओके कर देंगे तो ऑटोमेटिकली इसका जो फोल्डर है फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर फोल्डर क्रिएट हो गया। फोल्डर क्रिएट होने के बाद हम लोगों को क्या करना है, नीचे का जो टेम्प जो है उसको भी हम लोगों को एडिट करना होगा, उसी फोल्डर में हम लोगों को पाथ सेट कर देना होगा। तो सेम हम लोग एडिट पे क्लिक करने के बाद ब्राउज डायरेक्टरी में जाएंगे। जाने के बाद जो वाला फोल्डर हम लोगों ने अभी क्रिएट किया है सी ड्राइव में, उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस कर देना है। तो हम लोगों का हो गया, हम लोगों को फिर से ओके करना है और एक बार ओके कर देना है। अभी जो ओके होने के बाद पेज को थोड़ा सिस्टम को रिफ्रेश करने के बाद हम लोग फोटोशॉप को ओपन कर लेंगे। अब जब हम फोटोशॉप को ओपन करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, अभी के बाद हम लोग फिर से हम लोगों का जो फोटो है फोटो का हम लोग चूज कर लेंगे। यूजर फिल्टर में जाएंगे, फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है। अभी हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर अभी डाउनलोड वगैरह हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए मैं फिर से यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक किया तो डाउनलोड वगैरह यहाँ पर ईजिली हो गया है। तो डाउनलोड जब हम लोगों का वर्क कर गया तो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर फेस जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया है। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर जो है इसको हैप्पीनेस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इसका। तो यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हो वो फेस जो है थोड़ा स्माइली वाला हो गया है। अगर हम लोग इसको और थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे तो फिर देखते हैं कि ये कितना स्माइल ऐड कर सकता है यहाँ पर AI को यूज़ करके। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर वो हंस रहा है अभी। तो इसको हम लोग ओके कर देते हैं। तो मैं अभी आप लोगों को डिफरेंसेस दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोगों का इमेज जो था वो इमेज ये वाला था। जब हम लोग इसको ऑन कर देंगे देखिए तो इसमें स्माइल जो है वो ऐड हो गया है। तो ये वाला जो फिल्टर है, इस फिल्टर को यूज़ करके आप लोग किसी भी सैड इमेज को हैप्पी इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस दिन पहले एक न्यूज़ आया था जहाँ पर हम लोगों का जो रेसलर थे वो लोग पुलिस वैन में थे, वो लोग गुमसुम बैठे हुए थे, उनका एक सेल्फी आया था लेकिन वो और मीडिया में और एक सोशल मीडिया में और एक सेल्फी वायरल हुआ था जहाँ पर देख पा रहे थे कि वो लोग हंस रहे हैं। लेकिन वो बेसिकली AI के यूज़ से, इसी फिल्टर को यूज़ करके वो लोगों ने उस स्माइल को ऐड किया था। तो दोस्तों ये वाला AI जितना एक्साइटिंग है लेकिन उसका मिसयूज़ भी बहुत हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रख के इसको यूज़ कीजिएगा, यूज़फुल टूल है, आप लोग अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई भी मिसयूज़ इसको मत कीजिए, क्योंकि ये जो AI वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है वो हम लोगों को कहां पर लेके जाएगा हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन जो भी हो, आप लोगों का जो प्रॉब्लम था, जो आप लोग फेस कर रहे थे न्यूरल फिल्टर को लेके, आई होप आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो गया होगा। अगर फिक्स हो गया तो नीचे कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही मजेदार वीडियोस और इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर बेसिस में मेरे चैनल पे आता रहता है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। और एक चीज, अगर आप लोगों को ये वाला जो रोबोट है एस्ट्रोनॉट है, अगर इसका वाला वीडियो आप लोगों को देखना है तो ये भी चैनल पे अप है, आप लोग जाके एस्ट्रोनॉट वाला वीडियो भी देख सकते हैं। और इसका ऑर्डर लिंक जो है वो वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा, काफ़ी कमाल का प्रोडक्ट है, इसको ज़रूर परचेस कीजिएगा। तो चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर और हाँ गुड बाय।